तो जय हिंद साथियों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन ग्रुप। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में दोस्तों, अनुपात तथा समानुपात। अनुपात तथा समानुपात यानी बोला जाए तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं छोटा से लेकर बड़ा तक, आज दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप सभी दोस्तों वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि 2 सेकंड 5 सेकंड दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन को उड़ाने का, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों मैं चैलेंज के साथ गारंटी देकर कहता हूँ, कह सकता हूं दोस्तों कि आप सभी क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा देंगे। दोस्तों जी हाँ, बात करते हैं दोस्तों, फटाफट वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अनुपात तथा समानुपात, पहले तो बात करें दोस्तों कि अनुपात कहते किसे। पहला टॉपिक हमारा ये होना चाहिए दोस्तों कि अनुपात कहते किसे हैं। बोला जाए तो रेशियो, व्हाट इज रेशियो, व्हाट इज अनुपात, यानी कि अनुपात क्या है। तो ये दोस्तों अनुपात जो होता है ये उस मेथड पर काम करता है दोस्तों कि उस मेथड पर दोस्तों कि उस सिचुएशन में कि दोनों साइड का जो मान होता है दोस्तों वो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, बराबर होना चाहिए। ये दो संख्याओं के बीच के संबंध को बताता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, ये संबंध को ये बतलाता है। तो दोस्तों आपसे पता हो कि संबंध बताने के लिए दोस्तों एक दूसरे कंपेयर करने के लिए उसकी बराबरी का चीज़ होना चाहिए। पहले बेसिक से बात जान लीजिए, क्वेश्चन भी सारे क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, ठीक है। पहले बेसिक बात समझ लीजिए दोस्तों, कंपेयर करने के लिए हम सभी को एक दूसरे के बराबर अब बोले तो कोई भी चीज़ होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर मैंने ले लिया दोस्तों 3 पैसा अनुपात 10 ले लिया जाए, चाहे 6 रुपया ले लिया जाए, तो ये क्या दोस्तों ये अनुपात हमारा सही है या गलत है, आपसे बताइएगा। ये हमारा जो अनुपात है दोस्तों ये गलत माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये संबंध को दिखा नहीं रहा है। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी बताया कि ये जो इसके बीच जो संबंध होना चाहिए एक दूसरे के बराबर का संबंध होना चाहिए। मैं बात करूँ दोस्तों, एक और ले रहा हूँ दोस्तों आप सभी के लिए एग्जाम्पल, बात करें अगर यहाँ पर 10 दोस्तों हॉर्स यानी घोड़ा है और यहाँ पर मैंने ले लिया दोस्तों कि 20 काऊ है, तो ये क्या अनुपात दोस्तों एक दूसरे से सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो इस सेटिस्फाइड करने के लिए दोस्तों हम सभी को करना होगा कि जो दोनों ओर का मान होना चाहिए दोस्तों वो अनुपात में बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, बराबर होना चाहिए। अगर इस साइड से पूछ लिया जाए दोस्तों तो हम सभी को अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम करेंगे 3 पैसा, ठीक है। अब 3 पैसा, अब 6 रुपया को पैसा बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 6 गुणे इतना हो जाएगा यानी कि 3 अनुपात 600, यानी कि इसको कट आउट करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 1 अनुपात दोस्तों ये हो जाएगा 3 दुना के 6, यानी कि हो जाएगा कितना दोस्तों 3 दुना के 6 यानी कि 20 हो जाएगा। इतना ये दोस्तों आंसर निकल करके आएगा आप सभी का। तो आप सभी को क्या बात समझ में आ रहा है दोस्तों, क्या आप सभी को इतना बात दोस्तों समझ में आया, जी या नहीं, हाँ या ना दोस्तों, क्या आप सभी को दोस्तों इतना बात समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन दिया गया है, ये दोस्तों ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन तो ध्यान दीजिएगा, करें कि ए अनुपात बी और दूसरा दोस्तों बी अनुपात सी, यहाँ पर दिया है इसका मान दोस्तों, यहाँ पर जो मान दिया है इसका 4:3 और यहाँ पर दिया है दोस्तों 2:5। तो आप सभी को फाइंड करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी इसका मान कितना होगा, इसका मान दोस्तों कितना होगा, कि क्या आप सभी इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो वीडियो रोक करके दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व जरूर कीजिएगा ताकि आप सभी से लगे कि हाँ हमको कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है। वीडियो को सोल्व जरूर करिए। देखिए इसको कैसे बनाया जा सकता है दोस्तों, इसका बनाने का तरीका क्या है, इसका बनाने का तरीका दोस्तों ए का मान भी दिया है, बी का मान भी दिया है और सी का मान भी दिया है, यहाँ पर भी बी का मान दिया है, यहाँ पर भी सी का मान दिया है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने क्या बोला अभी कि इन दोनों को दोस्तों बराबर होना अति आवश्यक होता है, दोनों मान साइड का बराबर होना चाहिए। यहाँ पर अगर 3 और 4 जोड़ते हैं दोस्तों 3 4 7 होता है, और नीचे भी 7 दिया है, कोई बात नहीं, दिए दोनों क्या है दोस्तों बराबर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बी का मान 3 दिया है, यहाँ पर बी का मान दोस्तों 2 दिया है, तो ये गड़बड़ है। क्या दोस्तों ये गड़बड़ है। अब करेंगे क्या दोस्तों, इसमें कर देंगे 2 का गुणा और इसमें कर देंगे दोस्तों 3 का गुणा, ठीक है। जब इसमें गुणा करेंगे दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप सभी के लिए मैं दोस्तों डिटेल में लिख दे रहा हूँ, ए अनुपात
बी इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 8:6, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों बी अनुपात जो सी आएगा आ जाएगा हमारा कितना 6:15 दोस्तों 15 आ जाएगा। अब हम सभी से क्या पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है, इतना ही दोस्तों हम सभी से पूछा गया, कोई बात नहीं इतना पूछा गया। इतना जब पूछा गया दोस्तों तो हम करेंगे कि ए का मान हमारा कितना है दोस्तों 8 है, अनुपात लगा देंगे। बी का मान दोस्तों हमारे पास 6, देखिए यहाँ पर भी 6 इक्वल है दोस्तों और यहाँ पर भी 6 इक्वल। मैंने क्या बोला दोस्तों, कंपेयर करने के लिए दोस्तों दोनों मान को बराबर होना अति आवश्यक है, अन्यथा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर बी का जो मान है दोस्तों इधर भी बराबर है और इधर भी 6, उधर भी 6, इधर भी 6, क्योंकि दोस्तों बी का मान हर जगह तो बराबर होना चाहिए ना जी। तीन भाई है तो तीनों भाई को इक्वल में दोस्तों कोई भी समान बांटा जाएगा ना जी, तो वही बात है यहाँ पर। ठीक है, और दोस्तों अनुपात लगा देंगे और सी का मान कितना दोस्तों 15 है, तो ये आप सभी का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप सभी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन लगाएंगे ताकि हमारा डाउट अधिक अधिक से अधिक क्या है सॉल्व हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, यहाँ पर जो मान गिवेन है दोस्तों वो है 2:3 और यहाँ पर है दोस्तों 4:5। इसको दोस्तों वीडियो रो करके आप सभी बना सकते हैं, इसका मान ज्ञात करना, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना दोस्तों। आप सभी क्या कर सकते हैं, वीडियो रो करके दोस्तों इसका मान फाइंड कर सकते हैं अगर आप सभी को बनाने आ तो। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा, इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से, इधर देखिए मैंने क्या बोला दोस्तों, यहाँ पर ए का मान दिया है 2, आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ए का मान दिया है 2 दिया है, यहाँ पर बी का मान 3 दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर बी का मान 4 दे दिया और यहाँ पर बी का मान कितना दिया है 3 दिया है, तो क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि दोस्तों बी का मान यहाँ पर 3 दिया गया और बी का मान यहाँ पर 4 दिया दिया है। तो इसमें करेंगे दोस्तों ऊपर नीचे क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा करेंगे, ऊपर कर देंगे दोस्तों 4 से गुणा, नीचे कर देंगे दोस्तों 3 से गुणा। ओके, क्या कर देंगे दोस्तों 3 से कर देंगे, कितना से करेंगे दोस्तों 3 से करेंगे, 3 से कर देंगे। ठीक है, 3 से कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों बी का मान आ जाएगा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों ए का मान आ जाएगा कितना 8:1, बी का मान आ जाएगा दोस्तों 12, बी का मान कितना है दोस्तों 12 और सी का मान कितना है दोस्तों 15 आ जाएगा। आप सभी का ये आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट रूल की ओर, टाइप्स नंबर, अगला टाइप्स की दोस्तों बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप सभी के पास दे दिया जाए, आप सभी के पास दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, क्या है क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी इक्वल टू आप सभी को दिया है 2:3, 2:3 और दिया दोस्तों बी अनुपात सी इक्वल टू आप सभी को गिवेन है 2:1, 2:1 और दोस्तों दिया गया है सी अनुपात डी इक्वल टू 3:1 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करें। इतना का दोस्तों मान ज्ञात करना है, करें कि ए अनुपात बी इक्वल टू 2:3 है और बी अनुपात सी इक्वल टू 2:1 है और सी अनुपात डी इक्वल टू 3:1 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इतना का मान ज्ञात करना है दोस्तों। कैसे इसको फटाफट दोस्तों सॉल्व करेंगे, ट्रिक के साथ दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आप सभी को टाइम ना लगे। ठीक है, इसको क्या कहें दोस्तों, ट्रिक के साथ दोस्तों सॉल्व करेंगे, देखिएगा वीडियो को एंड तक बिना भगाए हुए। ठीक है, देखिए कैसे इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे अनुपात बी इक्वल टू कितना दिया दोस्तों 2:3 दिया, कॉपी में लिखिए क्वेश्चन को दोस्तों, कॉपी में लिखते जाएगा क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अभी बेसिक है, हाई भी चलेंगे, ठीक है ऊपर भी चलेंगे। सी अनुपात डी दिया कितना दोस्तों 3:1 दिया है। देखिए आप सभी इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, कोई वाली बात दिक्कत वाली बात नहीं रह जाएगा, आप सभी इसको बेसिक से भी बना सकते हैं। ठीक है, बेसिक से भी इसका क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप बना सकते हैं, लेकिन मैं दोस्तों आप सभी को ट्रिक द्वारा बनाना सिखाऊंगा।
ट्रिक से इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है दोस्तों क्या क्या बोला है दोस्तों कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करें। ए का मान दोस्तों हमारा आ गया 2 × 4 अचरती 12 और इसका आ गया 3। अब बोलेंगे कि ये कहां से आ गया, सही बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ए का मान दोस्तों ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए इधर तक के बोर्ड पर, ए का मान ज्ञात करने के लिए ये तीनों जो लाइन दिख रहा है दोस्तों ये वाला ए वाला इससे गुणा करेंगे। जब इससे गुणा करेंगे दोस्तों 2 × 4 और चरती यहीं 12, ए का मान हो गया 12। अब देखिए दोस्तों जो ये लास्ट वाला जो दिख रहा है दोस्तों ये खड़ी वाला ये तितली के सॉरी तीन एकम तीन हो गया दोस्तों, 3 × 3 यानी कि डी का मान 3 आ गया। डी का मान क्या आ गया दोस्तों 3 आ गया। अब देखिए बी का मान और सी का मान निकालने के लिए लॉजिक क्या लगेगा, इसी बात को ध्यान दीजिए, यहीं पर कन्फ्यूजन होगा आप सभी को। यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर लॉजिक लगेगा ध्यान दीजिएगा, ये वाला तो मान खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, इसको हटाइए और इसको भी हटाइए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ इसका लॉजिक क्या है, जब दोस्तों अगर हम सभी को बी का मान ज्ञात करना हो, ध्यान दो, अगर बी का मान ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, बी का मान दोस्तों ज्ञात करने के लिए करेंगे यहाँ से लेकर के ऐसे और ऐसे गुणा कर देंगे। कैसे गुणा किया है दोस्तों, मैंने यहाँ से लेकर के ऐसे गुणा किया है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 दिया गया है और यहाँ पर 3 है, तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18 3 × 6 = 18 दोस्तों, ये 18 हो जाएगा, बी का मान आप सभी का 18 आ चुका है। अब दोस्तों सी का मान ज्ञात कैसे करेंगे, ये तो बी का मान ज्ञात हो गया, अब बात करते हैं कि सी का मान कैसे फाइंड किया जाए। ठीक है, सी का मान कैसे फाइंड किया जाए, सी का मान दोस्तों फाइंड करने के लिए आपको करना पड़ेगा इस प्रकार और इस प्रकार। कैसे किया दोस्तों, मैंने इस प्रकार और इस प्रकार, यहाँ पर दोस्तों 3 है, यहाँ पर दोस्तों 1 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो तितली के 9 हो जाएगा दोस्तों और यहीं आप सभी का कोरेट वाला आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों सीजीएल्स मेंस में पूछे जाते, सीजीएल में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते। ठीक है, इसको कॉपी में नोट कीजिएगा दोस्तों। अब बढ़ेंगे अगले रूल की ओर दोस्तों, अगले के ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, ये इसको नोट कर लीजिएगा पहले आप सभी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्या दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। बढ़ते हैं आगे, ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों, इसको मिटा लीजिएगा, सॉरी इसको नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। देखिए आगे जो दोस्तों जो रूल है इसका जो टाइप से आगे वाला दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन है, और ये सीजीएल में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल में दोस्तों एयरफोर्स में सारे एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन नहीं जाते हैं। ठीक है ना, तो बेसिक सी बात है दोस्तों, और इसको आप सभी अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और आगे भी जा करके आप सभी को अच्छा लगेगा, अगर आप सभी को अर्थमेटिक अच्छे तरीके से पढ़ना है तो। ठीक है ना, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप सभी को वहाँ पर तो 3 दिया था, 4 तक दिया था, अगर दोस्तों 5 तक तो कभी आया नहीं एग्जाम में, 4 तक ही आया, 3 तक ही आया। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों आप सभी को नेक्स्ट जो टाइप है दोस्तों, टाइप की बात करते हैं, टाइप नंबर दोस्तों 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइप दोस्तों मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अगर दोस्तों आप सभी के पास क्वेश्चन दे दिया जाए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 इतना दिया है का अनुपात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात करें। अब दोस्तों इसका अनुपात कैसे ज्ञात किया जाए, इसका अनुपात दोस्तों कैसे ज्ञात किया जाए आपसे बताना है, कि इसका अनुपात अब कैसे ज्ञात किया जाए। तो फटाफट दोस्तों वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को लगाइए, खुद से क्वेश्चन को लगाइए वीडियो को रोक करके। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को दिया, ठीक कोई बात नहीं। अब देखिए इसको फाइंड करने के लिए दोस्तों एक डिटेल मेथड जानेंगे और एक शॉर्ट आउट मेथड जानेंगे, दो मेथड की बात करेंगे दोस्तों हम, एक लॉन्ग विधि जो कि आपसे को समझ में आ जाए, और शॉर्ट विधि दोस्तों जो कि वो 100% समझ में आएगा ही आएगा आप सभी को, इतना मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। अब देखिए इसको क्वेश्चन को लगाने के लिए दोस्तों आप सभी को पहला जो नियम जो पहला कार्य करना है दोस्तों इसमें,
वो करना है कि नीचे वाला का दोस्तों एलसीएम लेना है। क्या करना है दोस्तों, नीचे वाले का एलसीएम लेना है। तो जब आप दोस्तों अगर नीचे वाले के एलसीएम लेते हैं तो इतना का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, आपसे बताना है किसका एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों इन सारे का एलसीएम कितना आएगा बता सकते हैं? तो इन सारे का एलसीएम दोस्तों जो आएगा वो आ जाएगा 12। कितना आएगा दोस्तों, 12 है आएगा, 12 आ जाएगा दोस्तों इन सारे का एलसीएम। अब दोस्तों जब एलसीएम हमारे पास जो फाइंड हो गया तो अब करेंगे 1/2 गुणे 12 अनुपात 1/3 गुणे 12 अनुपात 1/4 गुणे 12। अब दोस्तों इसको कटाएंगे तो कटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 3 × 2 = 6, 4 × 12 और 4 × 12 यहाँ पर 4 × 12 ठीक है, इतना आ गया हमारे पास जो मान है दोस्तों 6 × 4 = 3 और यही इसका सही वाला दोस्तों आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन का दोस्तों आंसर इस प्रकार निकाला जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसमें ठीक है। दोस्तों देखिए फिर एक बार मैं रिवाइजिंग कर रहा हूँ, इसको कैसे बनाया जाएगा। देखिए दिया कुछ नहीं यार, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बात है 1/2 दिया है, अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 दिया गया ठीक है, इतना है कोई बात नहीं। कह रहे कि अनुपात ज्ञात कीजिए, इतना कह रहे दोस्तों कि अनुपात ज्ञात करना है ओके। इसका अनुपात ज्ञात करने के दोस्तों नीचे वाला का जो 2, 3, 4 जो दिया है इसका एलसीएम ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन का एलसीएम ज्ञात करने के लिए नीचे वाले जो नंबर दिया होता है दोस्तों उसको उड़ाना होता है। उड़ाने का मतलब ये नहीं कि आकाश में उड़ाते, ये बात नहीं, इसको कटाना होता है ठीक है। तो इसको दोस्तों करेंगे नीचे वाले का ले लेंगे एलसीएम, पहला रूल हो गया, पहला इसका रूल हो गया, नीचे वाले का लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद दोस्तों इसको कटा देंगे, बस सिंपल से यार आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपसे डाउट को क्लियर कर सके, यहाँ पर जो कि आपसे क्या कर सके, डाउट को क्लियर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 4/5। अब क्या बोला है दोस्तों कि इसका अनुपात ज्ञात करें, अनुपात रेशियो फाइंड करना है, इसका अनुपात ज्ञात करें, इसका दोस्तों रेशियो फाइंड करना है आप सबको, इसका रेशियो फाइंड करिए कि इसका रेशियो दोस्तों क्या होगा। तो मैंने दोस्तों अभी बोला आप सभी को, अगर आप सभी को दोस्तों बनाने आता है तो यार प्लीज़ यार वीडियो को रोक करके एक बार क्वेश्चन को बना लो, उसके बाद आगे बढ़ो यार, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा यार, रियली मैं बोल रहा हूँ। देखिए तो इसको करने के लिए दोस्तों मैंने क्या बोला कि जो नीचे वाला दोस्तों जो संख्या होता है इसको करना पड़ता है एलसीएम लेना पड़ता है, इसका क्या लेना पड़ता है दोस्तों, इसका एलसीएम लेना पड़ता है, इसका पहले एलसीएम लीजिए। 2, 4, 5 का एलसीएम कितना आएगा, 2, 4, 5 का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा? तो इसका जब दोस्तों आप सभी एलसीएम ज्ञात करेंगे, फाइंड करेंगे, तो इसका एलसीएम दोस्तों कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर 4 ही है, यहाँ पर क्या दोस्तों 4 दिया गया है ठीक है, यहाँ पर 4 लिख लीजिएगा, यहाँ पर 4 है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम दोस्तों आप सभी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ओबीस बात अगर छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप सभी क्या कर सकते हैं इसका फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2, 2, 2, 2 यहाँ पर 1 हो जाएगा सॉरी, और यहाँ पर 2, 4 आएगा इसका एलसीएम, ओबीसी बात है दोस्तों ठीक है ना, अब इतना छोटा तो आप सभी निकाल ही लेंगे, 4 आ जाएगा इसका ठीक है, 4 आ गया। इसका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, नीचे वाले का जो एलसीएम अभी निकाला हमने वो कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया ठीक है। तो 4 इसका क्या आ गया दोस्तों, पहले तो एलसीएम आ गया। तो मैंने क्या बोला कि जब इसका एलसीएम 4 आ गया तो इसको करना है कि दोस्तों कटाना है, नीचे वाले संख्या को उड़ाना है ठीक है ना, यही ना। तो लिखेंगे 1/2 गुणे 4 अनुपात 3/4 गुणे 4 अनुपात 4/4 गुणे 4 करेंगे 2 × 2 = 4 कटाएंगे दोस्तों इसको, इसको जब कटाएंगे 2 × 2 = 4 2 × 2 = 4 और 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना, तो 2 × 6 = 4 आ जाएगा, 2 × 6 = 4 आ जाएगा। अब इसको भी कटाएंगे दोस्तों, कितना से कटाएंगे इसको, इसको कटाएंगे दोस्तों कितना से, यहाँ पर, यहाँ पर 3 है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसको कटाएंगे, इसको कटाएंगे 3 बार में, इसको कटा देंगे 2 बार में, ये हमारा आंसर आ गया इसका, इसका आंसर दोस्तों आ गया। क्या ये बात आप सभी को समझ में आया या नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप सभी कोई भी डाउट होता है यार
कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका आंसर देने का जिम्मेवारी मेरे पे होता है, ठीक है ना। छोटा हो बड़ा, मैं दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करूंगा दोस्तों, ताकि आप सभी को सारे डाउट दोस्तों क्लियर कर सकूं मैं, ठीक है। ये दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, क्योंकि दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन का, एक टाइप और बदलते हैं। ये चार नंबर टाइप था दोस्तों हमारा, अब पाँच नंबर टाइप की बात करते हैं, ठीक है। पाँच नंबर टाइप की दोस्तों बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है यार, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। ये सीजीएल में दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है, और सीजीएल में नहीं यार, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम में ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिया क्या है दोस्तों, दिया है आप सभी का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखिएगा टाइप नंबर फाइव करके लिख लीजिएगा आप सभी, ठीक है, अगर लिखना होगा तो। यहाँ पर दिया है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, तो हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात ज्ञात कीजिए। इतना का दोस्तों करना क्या है कि मान ज्ञात करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का मान ज्ञात करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन की बहन है दोस्तों 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, तो इतना का मान ज्ञात करें, ये हम सभी से पूछा है दोस्तों कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए इसका मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है। अगर आप सबको बनाने आता है तो वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को लगाइए, फिर देखिए कितना मजा आता है यार, रियली बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए पहले तो करेंगे दोस्तों कि चारों को क्या हम ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा अगर नहीं होगा तो बोलिएगा, प्रयास करते हैं। 4a 3b इक्वल टू 4c, क्या इसको दोस्तों मैं सारे को k के बराबर मान सकता हूँ, क्या मैं दोस्तों सारे को k के बराबर मान सकता हूँ, इसमें मैंने कोई गलती तो नहीं किया, नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों 2a k बराबर हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 3b के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 4c के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या मैं लिख सकता हूँ दोस्तों कि a बराबर दोस्तों k बटा में 2, और यहाँ पर दोस्तों मैं क्या इसको लिख सकता हूँ b बराबर k बटा में 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ c बराबर k बटा में 4। इतना हमारे पास आ गया, इतना हमारे पास दोस्तों गिवेन हो गया, कोई बात नहीं, इतना हमारे पास क्या होगा दोस्तों गिवेन हो गया, ठीक है। उसके बाद करेंगे क्या दोस्तों, इसके बाद जब इसको करेंगे कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात हमसे पूछा गया है, इतना ही पूछा गया ना हम सभी से, ठीक है, इतना पूछा गया हमारे पास, तो इसको करेंगे दोस्तों, इसको कर देंगे यहाँ पर k अनुपात 2 अनुपात, यहाँ पर k बटा में 2 अनुपात k बटा में 3 अनुपात k बटा में 4, इतना दिया गया है। अब करें दोस्तों जो के है दोस्तों वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज दोस्तों ये अनुपात में और सेम है दोस्तों, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास जो गिवेन होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, गिवेन होगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब यहाँ पर जटिल हो गया, जटिल नहीं बहुत आसान हो गया, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया है आप सभी से, आप सभी जाने हैं कि इसको कैसे फाइंड करते, तो इसको भी आप सभी फाइंड कर देंगे। अब देखिए करना है नीचे वाले के लेना है दोस्तों एलसीएम, तो इसका हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों इसका एलसीएम, तो आप सभी का जो दोस्तों 12, तो 12 से जब कटाएंगे दोस्तों 6:4:3 इसका आंसर आएगा, और यही दोस्तों आप सभी का सही वाला करेक्ट वाला दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों और उस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है, अपने कॉपी में दोस्तों नोट कर लीजिए, ठीक है, मज़ा बहुत आएगा, बहुत मज़ा आएगा, नोट कीजिए पहले, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों कुछ आप सभी को तड़कता भड़कता दोस्तों सेक्शन, और आप सभी के लिए दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी को दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा यार, प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगता है यार आप सभी के लिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर कोई भी डाउट हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे GK GS दोस्तों करंट अफेयर्स और इंग्लिश का भी दोस्तों सेक्शन चलता है, तो आप सभी प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जाकर के प्ले लिस्ट में दोस्तों सारे वीडियो को देख सकते हैं, एयरफोर्स से रिलेटेड सारे एग्जाम से रिलेटेड। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद जय भारत।